हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूपीआई के इंस्ट्रक्टर के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अभी मैं एक दो दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, उसका सेकेंड वीडियो है। आज हम इसमें लगभग 100 क्वेश्चन पूरे करेंगे, जो रिमाइंडर 100 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे 40 से 100 तक के बीच में, जिसमें आपको इन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दिए गए प्रैक्टिस सेट्स आपको भली भांति समझ आ रहे होंगे और आपके लिए यूजफुल भी हो रहे होंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं नई वीडियोस और अपडेट्स के लिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है उत्तर प्रदेश अनुदेशक परीक्षा। इसमें आप जुड़कर आने वाली नई अपडेट्स, और मैं उसमें अपने हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करा रहा हूँ आईटी इंस्ट्रक्टर 2022 भर्ती के लिए, आप इस ग्रुप से जुड़कर उन सभी नोट्स का फ्री में लाभ ले सकते हैं। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ और अपनी पूरी साथ ही साथ कोशिश भी करूँगा कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ। तो शुरू करते हैं हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है उससे। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम में एक शब्द है सदस्य। ये जो सदस्य शब्द है, ये कौन सी धारा में से कौन सी धारा परिभाषित करती है, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सदस्य शब्द को कर्मचारी भविष्य निधि निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की कौन सी धारा परिभाषित करती है। तो देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 2J, ये ऑप्शन 2J सदस्य शब्द को परिभाषित करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, सदस्य शब्द 2J 1952 में परिभाषित है, किसमें? कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 मातृत्व लाभ अधिनियम 1965 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ये जो तीन नियम हैं, पहले तो आप इन्हें याद कर लीजिए कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कामगार मुआवजा अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम 1965 में, और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में आया था। देखिए, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कर्मचारी राज्य बीमा है यहाँ पर, ये 1948 है, और कर्मचारी भविष्य निधि है, ये 1952 है। यहीं के यहीं आपको देखिए 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं कि 1952 में जो आपका क्या था, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, ये आपके 1952 में रिलीज किए गए हैं। इसके बाद 1923 की अगर बात करें, 1923 की, तो 1923 में कामगार मुआवजा अधिनियम ये आया था, और मातृत्व लाभ अधिनियम 1965 में आया था, साथ ही साथ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में आया था। तो ये आपके लिए देखिए, एक ही दो क्वेश्चन से ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इन्हें आप लिख कर कहीं भी अपने लिए स्टोर कर सकते हैं। बाकी बाद में तो आपको मैं ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड जरूर कराऊंगा अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। तो क्वेश्चन पर आते हैं अब। तो देखिए, क्वेश्चन कहता है, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 और मातृत्व लाभ अधिनियम 1965 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ये किसी भी कर्मचारी के लिए एक साथ लागू हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन, एक साथ लागू हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको
अच्छे से भली भांति समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। देखिए यही जो क्वेश्चन है ना, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ये देखिए सेम क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। देखिए आपको जैसे कभी कभी क्वेश्चन में अगर पूछ सकता है आपसे कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कब लागू हुआ था या कब बनाया गया था, तो देखिए 1948 आपको यहाँ से याद हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैं कितने अनुसूचियों का उपबंध किया गया है। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत 3 अनुसूचियों का उपबंध किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी निःशक्तता के मामले में, अस्थायी निःशक्तता के मामले में अर्धमासिक भुगतान चाहे वेतन की गणना के लिए कोई सूचना उपलब्ध ना होने पर चोट के कारण कुल या आंशिक परिणाम हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं देखते हैं। देखिए कर्मकार प्रतिकार अधिनियम की एक धारा है, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम की एक धारा है, धारा 1923, सॉरी 1923 में लाया गया, धारा 5 के अंतर्गत। इसके अनुसार अस्थायी निशाक्तता के मामले में अर्धमासिक भुगतान चाहे वेतन की गणना के लिए कोई सूचना उपलब्ध ना होने पर या चोट के कारण कुल या आंशिक परिणाम पिछली निरंतर सेवा में अर्जित कुल मजदूरी का 30 गुना होगा। यानी इसके कहने का मतलब है कि ये जो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 है, इसकी एक धारा है धारा 5, जो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अस्थायी तौर पर है तो उसको अगर कोई उसे चोट लगती है या उसे कोई अदर प्रॉब्लम होती है, चाहे वह वेतन की प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, तो जो उसको पेमेंट किया जाएगा वो उसकी पिछली जो उसने की है वर्क उसके अनुसार उस मजदूरी का 30 गुना, यानी कि पिछली निरंतर सेवा में अर्जित कुल मजदूरी का 30 गुना दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार अधिष्ठता किसी परिसर का कारखाने के रूप में प्रयोग आरंभ करने से कम कितने दिन पूर्व मुख्य निरीक्षक को एक लिखित सूचना भेजेगा। तो इसका जो राइट आंसर है 15 दिन पूर्व। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करूं तो कारखाना अधिनियम 1948 की एक धारा है धारा नंबर 7, जिसमें दिया गया है कि अधिष्ठता किसी परिसर का कारखाने के रूप में अधिष्ठान का प्रयोग आरंभ करने से, यानी कि साफ साफ अगर सिंपल शब्दों में बात करूं कि अगर कोई अधिष्ठता मतलब जैसे कोई अधिकारी है, तो अगर किसी कारखाने का अगर वो इस्तेमाल करता है तो उस कारखाने के अधिष्ठान का अगर वो इस्तेमाल करता है मतलब वर्किंग प्लेस का, तो उसका प्रयोग आरंभ करने के 15 दिन पहले, सॉरी 15 दिन पहले ही मुख्य निरीक्षक को एक लिखित सूचना भेजेगा कि मैं इस कारखाने का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम की किस धारा में अधिष्ठता के साधारण कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो अभी हमने बात की थी कि धारा 7 में अधिष्ठता के बारे में बात हुई है, तो अब धारा 7 में भी दो धाराएं हैं जिसे हम धारा का और धारा खा में बांटा गया है। तो धारा का में बताया गया है धारा 7 का, तो का में बताया गया है कि अधिष्ठता के साधारण कर्तव्य का वर्णन, और धारा 7 में बताया गया है अधिष्ठता द्वारा सूचना, और धारा खा की अगर बात करें तो धारा खा में बताया गया है कारखानों में प्रयोग के लिए वस्तुओं और पदार्थों की बाबत निर्माताओं आदि के साधारण कर्तव्य, और धारा 8 में बताया गया है अधीक्षक वो सॉरी निरीक्षक के बारे में। तो ये सारी धाराएं आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, क्योंकि अधिष्ठता के साधारण कर्तव्य का जो वर्णन है वो धारा 7 का में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कारखाना अधिनियम 1948 के धारा 8 के अंतर्गत निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो कारखाना अधिनियम 1948 के धारा 8, जैसा कि मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि धारा 8 निरीक्षक से संबंधित है। तो ये सारे जो देखिए जो पॉइंट्स हैं ये आपको लिखने हैं कि धारा 8 निरीक्षक से संबंधित है, धारा 7 में क्या है, धारा 7 का में क्या है और धारा 7 खा में क्या है, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो देखिए धारा 8 के अंतर्गत निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो धारा 8 के अंतर्गत निरीक्षक की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार निरीक्षक को ऐसी स्थानीय सीमाएं सौंपती है जिसे कि वह ठीक से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत निरीक्षक को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। तो निरीक्षक को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं अब हम उन पर बात करते हैं। तो कारखाना अधिनियम 1948 की एक धारा है धारा 9। इस धारा 9 में देखिए धारा 8 में क्या बताया गया है निरीक्षक के बारे में। अब निरीक्षक है तो उसकी कुछ शक्तियां भी होंगी, तो उन शक्तियों का जो वर्णन है वो धारा 9 में किया गया है। तो अगर हम बात करें निरीक्षक की शक्तियों के बारे में, तो निरीक्षक किसी ऐसे स्थान पर प्रवेश कर सकता है जो कारखाने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा, परिसर, संयंत्र, मशीनरी, वस्तु या पदार्थ की समीक्षा कर सकता है। और निरीक्षक किसी दुर्घटना या खतरनाक घटना की जांच कर सकता है, चाहे उसके परिणाम स्वरूप कोई शारीरिक क्षति या निषाक्तता हुई हो या नहीं। और साथ ही साथ निरीक्षक को ये शक्ति है कि वह कारखाने से संबंधित किसी वैध रजिस्टर या किसी अन्य दस्तावेज को पेश करने की अपेक्षा कर सकता है। तो ये इस ऑप्शन में जितनी भी ये शक्तियां दी गई हैं ये सारी की सारी निरीक्षक की शक्तियां हैं। देखिए ऐसे स्थान पर प्रवेश कर सकता है ये मैंने आपको बताया है, परिसर, संयंत्र, मशीनरी इनकी भी परीक्षा कर सकता है, कारखाने से संबंधित रजिस्टर या किसी अन्य दस्तावेज को पेश करने की अपेक्षा कर सकता है। तो ये ऑप्शन डी नंबर सही है, ये सारी शक्तियां निरीक्षक को मिलती हैं धारा 9 के अंतर्गत। किस धारा? धारा नंबर 9, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 का कौन सा अध्याय स्वास्थ्य के बारे के संबंध में उपबंध करता है, कि मतलब ऐसा कौन सा अध्याय है जो स्वास्थ्य से संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित अध्याय है अध्याय 3। ये मैंने आपको स्वास्थ्य से संबंधित एक वीडियो में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो अध्याय 3 है वो हमारा स्वास्थ्य से संबंधित है। और अगर बात करें अध्याय 2 के बारे में, तो अध्याय 2 है वो निरीक्षक की कर्मचारी वृंद से संबंधित है कि कर्मचारी की नियुक्ति निरीक्षक कैसे करेगा। अध्याय 4 सुरक्षा से संबंधित है, अध्याय 5 कल्याण से संबंधित है। तो स्वास्थ्य से संबंधित है अध्याय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत शिक्षुता की संविदा किसके बीच में होती है? तो देखिए शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत शिक्षुता संविदा शिक्षु और उद्योग के नियोजक के बीच में होती है, लेकिन यदि शिक्षु अवयस्क है तो शिक्षु के संरक्षक और नियोजक के बीच में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिक्षु और नियोजक के बीच, शिक्षु के संरक्षक और नियोजक के बीच, जब शिक्षु 18 वर्ष से कम आयु का हो। तो जेन्युइन बात है कि शिक्षु के संरक्षक यानी शिक्षु का संरक्षक यानी ट्रेनी, शिक्षु यानी ट्रेनी, और ट्रेनी का संरक्षक कौन होते हैं? उनके गार्जियन। और नियोजक यानी कि जिसमें वो संविदा पर या शिक्षुता की ट्रेनर या ट्रेनिंग कर रहा है उसके बीच में ये जो होगा, तो ये इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। ए और बी दोनों इसमें सही हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
अप्रेंटिस कब से शुरू माना जाता है? तो देखिए, अप्रेंटिस एक एक्ट है 1961, इसके अंतर्गत अप्रेंटिस होती है। तो शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत शिक्षुता यानी कि अप्रेंटिसशिप उस दिन से प्रारंभ मानी जाती है जिस दिन से शिक्षुता संविदा हो, यानी कि जिस दिन से उसने ज्वाइन किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत शिक्षुता संविदा का नवीनय किस धारा के अंतर्गत होता है? देखिए, शिक्षु अधिनियम धारा 5 के अंतर्गत शिक्षुता संविदा का नवीनय होता है। धारा 5 इसका राइट आंसर है। कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 की कौन सी धारा मुआवजे से संबंधित है जिसे संलग्न या प्रभारित नहीं किया जाना है? कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम की धारा मैंने आपको बताई थी 1923, इसकी एक धारा है धारा 9, जिसमें प्रतिकार की धनराशि जिसे संलग्न या प्रभावित नहीं किया जाता है। धारा 9 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर B। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की कौन सी धारा मास्टर और नाविक से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 की धारा 15 में मास्टर और नाविक से संबंधित विशेष प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 15 से संबंधित है। तो अब देखिए, 1923 की धारा ओ सॉरी 25 से संबंधित है, क्योंकि 15 में अगर बात करें तो मास्टर और नाविक हैं, तो यहाँ दिया गया 25। तो धारा 25 से किसका संबंध है? कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम की धारा 25 में साक्ष्य दर्ज करने की विधि का प्रावधान किया गया है। धारा 25 में साक्ष्य दर्ज करने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रयास की असफलता के क्या कारण है? देखिए, अगर बात करूं मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की असफलता के कारण के बारे में, तो इसका जो कारण है, देखिए, वास्तविक गुणवत्ता, संस्कृति का अभाव, उच्च प्रबंध के सहयोग एवं उसकी प्रतिबद्धता में कमी, सांख्यिकी नियंत्रण और प्रक्रियाओं पर आवश्यकता से अधिक एवं कम विश्वास। ये सारे जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हैं इसके। ये सारे जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारी बातें जो हैं वो TQM की प्रयास की असफलता के मुख्य कारण थे। कैजन से क्या फायदे हैं? देखिए, कैजन से क्या फायदे होते हैं? कैजन से अगर फायदे की बात करूं तो कैजन क्या है, एक इन्वेंट्री, सुरक्षा में वृद्धि, समय में परिवहन, कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि, ये सारी चीजें कैजन के अंतर्गत आती हैं। तो कैजन क्षेत्र की उपयुक्तता में सुधार करता है, जैसे उत्पाद गुणवत्ता, पूंजी का यूज, उत्पादन क्षमता इत्यादि। कैजन एक सतत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो छोटे छोटे सुधारों को नियमित अंतराल पर करते रहने के लिए प्रतिबद्ध करती है। यह प्रक्रियाओं में सुधार भी लाती है एवं नुकसान को कम करती है। देखिए, नुकसान को कम करना, क्षेत्र प्रयोग में सुधार, तत्कालिक परिणाम प्रदान करना, ऑप्शन नंबर D। देखिए, मैं क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन लिख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको जो है मुंह से बोलकर सिंपल शब्दों में उसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप थोड़ा सुनने पर भी फोकस किया करिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में मैं मैक्स टू मैक्स आपको जानकारी देता हूँ। ये जानकारी आपके लिए भली भांति प्रकार से उपयोगी साबित होगी, जिसका परिणाम आप जब आप तैयारी करेंगे और फिर अच्छे से आप अपना एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा। और भविष्य में जो सवाल, जो प्रैक्टिस सेट मैं अभी कराऊंगा आपको, उनमें आपको देखने को भी मिलेगा इसका परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्ता की संकल्पना आधारित है, गुणवत्ता की संकल्पना किस पर आधारित है? तो देखिए, किसी उत्पाद की गुणवत्ता उसकी सभी विशिष्टताओं का समाकलन है कि उस उत्पाद में क्या क्या विशिष्टताएं हैं। किसी उत्पाद या सेवा की विशेषताओं की संपूर्णता ही उसकी गुणवत्ता है, जो परिलक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होती है। तो आवश्यकताओं संबंधी विशिष्टताओं के अनुरूप होना ही गुणवत्ता की संकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 59,
आतिथ्य सत्कार के ध्येय से कैसा परिवेश उपलब्ध कराया जाता है? तो आतिथ्य सरकार के ध्येय सत्कार के ध्येय से प्रायः निरोगी और दुर्गंध रहित परिवेश उपलब्ध कराया जाता है, निरोगी और दुर्गंध रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का एक समूह है। तो देखिए, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली संगठनात्मक ढांचा, कार्य विधियों, जिम्मेदारियों, आकलन प्रबंध प्रक्रियाओं, संसाधन, ग्राहक संतुष्टि, सतत सुधार और उत्पादन उत्पाद गुणवत्ता का समूह है। संगठनात्मक ढांचा, संसाधनों और कार्य विधियों, इन सभीयों का समूह है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे अवधी भाषा में लिखा गया है। देखिए, रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक महाकाव्य है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष महत्व रखता है। रामचरितमानस को ही हिंदी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। त्रेतायुगीन ऐतिहासिक राम रावण युद्ध पर आधारित और हिंदी की एक लोकप्रिय भाषा अवधी में रचित विश्व की प्रसिद्ध पुस्तकों में इसका प्रमुख स्थान है। कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्र कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है? कौन प्रस्तुत करता है? यक्षगान। तो देखिए, यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य और नाट्य रूप है। कर्नाटक में यक्षगान की परंपरा लगभग 800 साल पुरानी मानी जाती है। यक्षगान भगवान गणेश की वंदना से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। जबकि लिबरल पार्टी के टिकट पर 1892 में नौरोजी को हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सहायक गठबंधन प्रणाली जिसके माध्यम से अंग्रेज अपने भारतीय मित्र राष्ट्रों को बाहरी और आंतरिक खतरों से उनकी सत्ता की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे, किसके द्वारा ये शुरू की गई थी? तो ये जो शुरू की गई थी वो लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक गठबंधन प्रणाली थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डेस का पुनरुत्थान किया। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री 66 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का पुनरुत्थान किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लिखित है? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य 51A के अंतर्गत है। मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करने के लिए वर्ष 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्य और उनकी आवश्यकता पर सिफारिशें करना था। समिति ने मौलिक कर्तव्यों के शीर्षक के तहत संविधान में अलग अध्याय तथा 8 मौलिक कर्तव्य शामिल किए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A शामिल किया गया। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य के रूप में 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता? तो देखिए, पूंजी बिल एक ऐसा बिल है जो राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार कोई भी पूंजी या धन विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता।
किंतु इसे राज्यसभा में के विचारणार्थ भेजा जा सकता है। पूंजी बिल पर लोकसभा राज्यसभा के सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किस ही राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। लीला सेठ इन्हीं के पुत्र हैं। विक्रम सेठ जी जिन्होंने कई अच्छी अच्छी और चर्चित पुस्तकें लिखी हुई हैं। लीला सेठ जी की अगर बात करें तो लीला सेठ का जन्म 1930 में लखनऊ में हुआ था। भारत के ये किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। वह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। वह देश की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी। 1978 में दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली लीला सेठ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक विक्रम सेठ की माँ है। तो भी स्टूडेंट्स इस भर्ती परीक्षा में फॉर्म अप फिल करने के बाद अगर ये सोच रहे हैं कि ये काफी अच्छा चांस मिला है, कैंडिडेट्स कम हैं, ये रियलिटी है कि इस वैकेंसी में कैंडिडेट्स कम हैं क्योंकि पैट के थ्रू ये फॉर्म फिल किया गया है। तो पैट के थ्रू अगर ये फॉर्म भरा है तो सिर्फ वही कैंडिडेट्स ही इसके लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने सीटीआई कर रखा है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी है। और एक्सपीरियंस देखिए मैं बता दूं, अगर आपने यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके फर्जी एक्सपीरियंस बनाया हुआ है तो सावधान रहिएगा क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्रॉस चेक होता है, क्रॉस वेरीफाई भी होता है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए जिन्होंने इस परीक्षा में अपना फॉर्म फिल कर पाए हैं, क्योंकि काफ़ी कम कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस परीक्षा में अप्लाई किया हुआ है। तो इसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, ये वैकेंसी फुलफिल भी की जाएगी। तो अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो आप निश्चित रूप से निरंतर तैयारी करते रहें। चीज़ें सिंपल नहीं हैं, चीज़ें सिंपल लगती हैं। अगर आप डेली रूटीन में तैयारी करेंगे तो आपको चीज़ें डेफिनेटली सिंपल लगेंगी। अदरवाइज अगर आप एंड टाइम पे तैयारी करने के लिए बैठेंगे तो आपको फिर काफ़ी महंगा पड़ेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक हैं। लिंक होने की वजह से आपको जो इसका वर्कलोड है वो बहुत कम हो जाएगा। आज जो मैं चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा तो वो कल नेक्स्ट वीडियो में आपके काम आएगी, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपके काम आएंगी। मैं आशा करता हूँ कि ये आप जो प्रैक्टिस सेट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आपके लिए सूटेबल हो और आपके लिए बेनिफिशियरी भी हो। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का मुख्य भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य में निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। तो देखिए, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 39 में आजीविका के पर्याप्त साधन, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं एवं समान कार्य के लिए समान वेतन के प्रति राज्य से सुरक्षा देने की आशा की गई है। जबकि मातृत्व लाभ के बिल 2016 के तहत नौकरी पेशा महिलाओं के लिए 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस वर्ष सूक्ष्म लघु एवं माध्यमिक उद्यम विकास अधिनियम MSMED पारित हुआ। तो ये कब पारित हुआ था, 2006 में। देखिए, MSME उद्योगों को भुगतान करने में
असफल रहता है तो 45 दिन के अंतर अथवा जो भी समझौता हो तो वह आरबीआई द्वारा निर्धारित बैंक दर से 3 गुना चक्रवृद्धि ब्याज सहित पेमेंट करने को बाध्य होगा। भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED 2006 में इसीलिए पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 72, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? तो ये जो शब्द है राजकृष्णा, ये क्वेश्चन शायद ही किसी ने अब तक देखा होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, इसे डेफिनेटली नोट करिएगा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू वृद्धि दर, प्रोफेसर राजकृष्णा ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जोड़ा था, तो प्रोफेसर राजकृष्णा इसके सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, 31 मार्च 2020 तक या उससे पहले प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना के अंतर्गत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम अनुमति धनराशि कितनी है? तो इसकी जो राशि है 15 लाख है। इस योजना का लाभ 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को मिलेगा। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो सभी जानते हैं कृषि इसका प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय कृषि का जीडीपी में 16% तथा कुल निर्यात में 10% भागीदारी है। कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में मद्रास लेबर यूनियन के रूप में पहला संगठित व्यापार संघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1926 में इस व्यापार संघ का गठन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का यूज किया जाता है? सिलिकॉन का यूज किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है ये। गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या, मतलब किसकी परत चढ़ाई जाती है? देखिए, गैल्वनीकरण का दूसरा नाम है यसद लेपन। ये एक धातुकर्मिक प्रक्रिया होती है, इसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। जस्ते की परत लोहे से बने सामान को हवा में उपस्थित नमी या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकती है, जिससे इस पर जंग नहीं लगती। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले आजादी राचटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वनस्पतिक नाम है? खतरनाक नाम है यार। तो आजादी रचता इंडिका, ये किसका नाम है? यह है नीम के पेड़ का नाम है। और अगर गुड़हल की बात करें तो गुड़हल का नाम है हबिस्कुस रोजा, सॉरी हिबिस्कुस रोजा साइनेसिस, रोजा साइनेसिस देवदार के पेड़ कर बात करें तो इसका नाम है सीड्रस देवदार। कड़ी पत्ते का नाम है मुराया कोइनीजी, चाइनीज नाम है लगता। ह्यूमरस किस अंग का भाग है? तो ह्यूमरस हमारी बांह है जो होती है, उसका एक भाग है। बांह के ऊपर भाग में एक उपस्थित लंबी हड्डी है जिसे ह्यूमरस हम कहते हैं। इसका विस्तार जो है वो कंधे से लेकर कोहनी तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। बैटरी ये चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 81, आपने बॉडमास पढ़ा होगा, BOD,
MAS, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अगर आप किसी भी संक्रिया को हल करते हैं तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है, इसके बाद ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई हल करना है, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट की बात करें तो अगर हम देखिए यहाँ डिवाइड है, तो डिवाइड अगर हम चेंज करेंगे साइन तो ये 3 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल यानी कि 1/10। फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे और यानी ऑफ ये है, इसको यूज़ करेंगे, तो इसको यूज़ करने के बाद फिर हम डिवाइड का यूज़ करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई और फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो -10 होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है मैथ के, आप सभी कर सकते हैं, ITI होल्डर हैं आप, डिप्लोमा होल्डर हैं, तो इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। दिए गए शब्द का विलोम चुन है, जीवन जीवन का है मरण। पर्यायवाची शब्द का चयन करें गंगा, गंगा के पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे त्रिपथ का, त्रिपथ गामिनी, देव नदी, नदीश्वरी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, स्वर्धुनी। तो भागीरथी भी गंगा का पर्यायवाची होता है, तो इसमें है ऑप्शन, तो भागीरथी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 89। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो बिना तिथि बताया जाए भैया अतिथि। सही वर्तनी छोड़िए चुनिए, तो सही वर्तनी क्या है इसमें, घुड़दौड़। यू आर यूनिक किताब है, किसने लिखी है, तो यू आर यूनिक हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार 1965 में शुरू किया गया था दिया जाता है। सर्वप्रथम यह पुरस्कार म्यांमार के राजनयिक यूथोंट को 1965 में दिया गया था। यह पुरस्कार भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा दिया जाता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को जारी कर किया जाता है किसके द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को जारी किया जाता है। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोना किस खेल से संबंधित है। लोना एक वर्ड है जो कबड्डी खेल से संबंधित है। कबड्डी खेल प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू हुआ था। कबड्डी तमिल शब्द काई पीढ़ी से बना है जिसका अर्थ होता है हाथ पकड़। बांग्लादेश का यह राष्ट्र खेल भी है कबड्डी, याद रखिएगा। पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी है, पोर्ट ऑफ स्पेन है की राजधानी क्या है, त्रिनिदाद और टोबागो। ये पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी है त्रिनिदाद और टोबागो। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो इनमें से आपको जिला बताना है कि कौन सा जिला है जो किसी भी अन्य राज्य के साथ नहीं लगता है। सहारनपुर, देवरिया, हरदोई, ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला जो है वो किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई की अगर बात करें तो यह पूर्व में सीतापुर से, पश्चिम में फरुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी और दक्षिण में शाहजहांपुर, बीच में हरदोई।
भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया। कंकाली टीला कहाँ है? मथुरा में है। इस टीले पर कंकाली देवी माता का मंदिर है, इसका नाम कंकाली टीला है। 1890 से 91 के बीच में डॉक्टर फोहरर के नेतृत्व में यहाँ खुदाई हुई, जिसमें प्रसिद्ध भव्य जैन स्तूप प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा किस नृत्य का, मतलब कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दिवाली के दौरान बुंदेलखंड समुदाय के अहीर समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है, भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश द्वारा की जनजाति द्वारा किया जाता है, भील जनजाति द्वारा, या होली के दौरान किया जाता है। इस नृत्य की सबसे बढ़िया खास बात है, आप लोग जरूर जाएं इस नृत्य में, क्योंकि इसमें लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। एक जो नृत्य है छपेली, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर से किया था? देखिए आपके सिलेबस में कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स भी हैं, तो इन्हें भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा कि कौन सी स्कीम कहाँ से शुरू हुई थी। तो ये जो स्कीम है वो नोएडा से शुरू हुई थी 5 अप्रैल 2016 में, बाबू जगजीवन राम जी की जयंती के अवसर पर इसे शुरू किया गया था। अगर आप स्टैंड अप इंडिया की बात करें तो इस योजना के तहत जो है 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? भीमसेन जोशी, गुलाम अली खान, गंगूबाई, सिद्धेश्वरी देवी। देखिए सिद्धेश्वरी देवी जी जो हैं, बनारस में 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका लालन पालन उनकी मौसी राजेश्वरी देवी जी ने किया था। बचपन और युवावस्था से गुजरने के बाद इन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया। 1966 ईस्वी में अगर बात करें तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये थे हमारे आज के जो क्वेश्चन थे, बचे हुए थे पार्ट टू वीडियो, सॉरी जो प्रैक्टिस सेट टू है उसका ये पार्ट टू वीडियो था। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे होंगे और मैंने भी भली भांति प्रकार से आपको एक्सप्लेन करे होंगे। तो कंटिन्यूटी बनाए रहें, एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाता है, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता क्योंकि मुझे भी थोड़ा काम रहते हैं। मैं बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करा सकूं। एनवायरनमेंट के नोट्स मैंने कंप्लीट ऑलरेडी करा दिए हैं पूरे, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो आपके फ्रेंड सर्किल में जिन्होंने फॉर्म डाला हुआ है उन तक भी ये चैनल आप प्रोवाइड कराएं, जिससे उनके आसपास भी ये जानकारी पहुंच सके। यूपी ITI इंस्ट्रक्टर। ये आपका ही चैनल है, आपके लिए ही बनाया गया है। अधिक से सब्सक्राइब करें।